Hey guys, how are my hairs looking? My hair, see, I'm so happy today because I just had a hair spa and my hairs are so good, so smooth, so shiny and in my control. See, no frizzy hairs, बहुत कंट्रोल में है, बहुत शाइनी है. एंड मैं लेकर आई हूँ हेयर स्पा, और हेयर स्पा मैंने लिया है हेयर एंड शांति में. हेयर एंड शांति सलोन इन मालवीय नगर, यहाँ पर इसका एड्रेस है शॉप नंबर 2, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, मालवीय नगर, मेन मार्केट, न्यू दिल्ली. एंड फोन नंबर्स ये रहे कार्ड पर. और मैं ये एड्रेस, पूरा का पूरा एड्रेस एंड फोन नंबर अपनी वीडियो के नीचे आपको लिखकर टाइप करके आपको जरूर दूंगी, सो दैट आप विजिट करें. आप हेयर एंड शांति क्यों जाएं? क्योंकि मैंने जो हेयर स्पा लिया है, हेयर के लिए तो जरूर लिया है, क्योंकि बहुत डैमेज एंड फ्रीजी हो गए थे आफ्टर हेयर कलर. एज आप लोगों को पता ही है कि मैंने जब से हेयर कलर कराया था तो मैं अपने बालों से खुश नहीं हूँ. डैमेज होने लगे हैं, फ्रीजी होने लगे हैं, कंट्रोल में नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा टूटने लगे हैं. सो इसलिए मुझे अपने बालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. बट हेयर स्पा, अगर आप हेयर एंड शांति में एक बार हेयर स्पा लेंगे तो आप जरूर नेक्स्ट टाइम हेयर एंड शांति में ही हेयर स्पा लेंगे, आई गारंटी. बिकॉज मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे सैलून्स में, आई विल नॉट टेक द नेम, नाम लेकर मैं नहीं किसी के ब्रांड या किसी को नीचे नहीं करना चाहती. सबकी अपनी अपनी सर्विसेज हैं, सबके अच्छे अच्छे कुछ बेनिफिट्स हैं, कहीं के कहीं कुछ कुछ भी. बट आई विल टॉक अबाउट ओनली हेयर एंड शांति राइट नाउ, क्योंकि मैं वहाँ के हेयर स्पा से बहुत खुश रहती हूँ. इट्स बिन लाइक 7 to 8 years मैं कंटिन्यूसली हेयर स्पा सिर्फ हेयर एंड शांति में ही लेती हूँ. बाकी कभी ये हो जाता है कि मेरे घर से थोड़ा दूर पड़े तो मैं कुछ छोटी मोटी सर्विसेज कहीं और ले लूँ, बट हेयर स्पा का मुझे लेना है तो मैं वहीं जाती हूँ. क्यों जाती हूँ हेयर एंड शांति? बिकॉज वहाँ पे आप जब हेयर स्पा कराने जाते हैं ना, तो बस आप हेयर स्पा नहीं कराने जाते हैं, आप वहाँ पे स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस रिलीज करने जाते हैं. क्योंकि जितना भी आपका वर्क प्रेशर, घर का टेंशन, कहीं और का टेंशन, बजट का टेंशन, फाइनेंशियल टेंशन, एनी अदर प्रॉब्लम, कोई भी स्ट्रेस की वजह से जब आपका सर बहुत भारी हो जाता है और लगने लगता है बूम करके बस्ट होएगा, तो जरूर हेयर एंड शांति जाके हेयर स्पा जरूर लीजिएगा. क्योंकि मैं जब भी वहाँ हेयर स्पा ले जाती हूँ तो मैं खो जाती हूँ. मेरा मन करता है कि ये हेयर स्पा चलता ही रहे. इतनी अच्छी मसाज, अमृत भैया, आई विल टेल यू, अमृत भैया है जो मेरे को हमेशा हेयर स्पा देते हैं, और शायद मैक्सिमम वो भी करते हैं, और भी बॉयज़ हैं जिनको उन्होंने ट्रेन किया है और बहुत अच्छा हेयर स्पा देते हैं. वो इतने अच्छे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस करते हैं, इतना रिलीज करते हैं, इतना इजीली अच्छी मसाज देते हैं, एंड नॉट फॉर 10 to 15 minutes, आई टेल यू. हर यही इनका बेनिफिट है जो मुझे डिफरेंट लगता है. कहीं भी आप हेयर स्पा ले जाएंगे तो आपको क्रीम लेंगे, क्रीम लगाएंगे थोड़े थोड़े बालों में करके ऐसे ऐसे ऐसे, एंड देन उसके बाद वो आपको 5 to 10 minutes का मसाज देके फिर आपको स्टीम देते हैं. दे वॉट सो हाउ हेयर एंड शांति इज बेटर देन अदर सलोन, इज बेटर बिकॉज इन हेयर स्पा आई विल टॉक अबाउट पर्टिकुलर थिंग जो मैंने आज लिया है तो मैं आपको शो कर सकती हूँ. एंड आई रियली सॉरी बिकॉज मैंने उन लोगों से परमिशन नहीं ली थी कि मैं उनके बारे में कुछ अपने यूट्यूब पे बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती हूँ. वो मैंने पेमेंट करते टाइम, लास्ट टाइम में उनसे परमिशन लिया, तो मैं हेयर स्पा करते टाइम वीडियो नहीं बना पाई कि वो किस तरह से कर रहे हैं. बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली जब मैं जाऊँगी तो ज़रूर वीडियो बना के आपको बताऊँगी कि वो किस तरह से करते हैं और आप क्यों आ जाएँ और बेहतरीन हेयर स्पा है और डिफरेंट क्यों है. देखिए, हेयर स्पा में हर सलोन जाएंगे, जब भी आप जाएंगे तो क्रीम लगाएंगे. क्रीम लगाने के बाद आपको 5 to 10 minutes to 15 minutes का मसाज करेंगे, एंड देन उसके बाद स्टीम देंगे, देन वॉश करेंगे, ब्लो ड्राई करेंगे. आपके बाल इतने स्ट्रेट लगने लगते हैं जैसे कि आप स्मूदिंग या स्ट्रेटनिंग करा के आए. बट क्या आप थोड़ी देर की टेम्पररी चीज के लिए जाते हैं? रिजल्ट्स तो अच्छे होते ही हैं हर स्पा के, पर जब हेयर एंड शांति में आप जाते हैं तो आपको 10 to 15 minutes नहीं, एंड आई बिलीव 25 minutes से अबव, एंड मेरे को तो लगता है शायद मैं आधे घंटे से मसाज ले रही हूँ और मेरा सारा स्ट्रेस ही निकल गया है. स्ट्रेस अगर रिलीज होता है तो यू फील ग्लो इन योर स्किन, योर हेयर स्माइल्स. यू नो, ये तो स्माइल होता ही है, बट यहाँ से भी यू फील गुड विद इन, एंड आपको अच्छा लगता है, आपके बाल अच्छे लगते हैं. मैं आपको मार्केट जाने से पहले एक वीडियो शूट करके गई थी, जो मेरी अपकमिंग वीडियो है उसके लिए,
उसका भी थोड़ा सा एक क्लिप या पिक्चर देके इसमें ऐड करूंगी सो दैट आपको पता चले कि मेरे बाल कैसे थे जाने से पहले और आने के बाद यू कैन सी दैट फ्रेंड्स सो शाइनी एंड सो नाइस. तो वो इतनी अच्छी हेयर स्पा करते हैं, इतना अच्छा मटेरियल देते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रेट सर्विस, वेल बिहेव्ड स्टाफ, वेल बिहेव्ड. आप जब हेयर स्पा ले रहे हैं ना, अगर कोई भी स्टाफ वहां पे कुछ काम कर रहा है या कोई और कस्टमर आ गया है तो आपको पता भी नहीं चलेगा हाउ दे कम्युनिकेट, या फिर आप जो एक एंजॉय कर रहे हैं उस फीलिंग एक्सपीरियंस को, द मसाज विच इज गोइंग ऑन इन योर फीलिंग या इज सो गुड, यू आर रिलीफ, स्ट्रेस रिलीफ हो रहा है, उसमें किसी और का कोई डिस्टर्बेंस या कोई चीज गिर गई धुम ऐसे लाइक कोई भी डिस्टर्बेंस हो या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता. वेल बिहेव स्टाफ एंड एनवायरमेंट, दे स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू फील रिलैक्स, दे मेक दैट एनवायरमेंट, क्रिएट दैट एनवायरमेंट, दे मेक यू सो कंफर्टेबल एंड दे आर वेरी वेरी वेल बिहेव स्टाफ एंड गुड सर्विस. सो आप जरूर जाइए वहां एक बार, जरूर हेयर स्पा और पेडिक्योर तो जरूर लेके देखना, जिसके लिए मैं जरूर जाती हूँ. वहाँ के फेशियल्स बहुत अच्छे हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर, बाकी तो वैक्सिंग एंड ऑल थ्रेडिंग एवरीवेयर सेम, बट आप एक बार मेरे कहने से जरूर जाइएगा, ट्राई कीजिएगा. अगर अच्छा ना लगे तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि फेक वीडियो बनाती है, मुझे पता चलेगा ना फेक नेगेटिव कमेंट आएगा तो कितना बुरा लगता है यूट्यूब लोगों को, तो मैं आपको कभी भी गलत सजेस्ट नहीं करूंगी. सो अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अगर आप हेयर एंड शांति का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, गूगल कीजिए, मैं आपको ये वाला एड्रेस देती हूँ जहाँ मैं जाती हूँ, मैं इसके नियर बाय कहीं रहती हूँ तो मालविया नगर में ये है, और इसका एड्रेस और फोन नंबर मैं आपको अपनी वीडियो के नीचे लिंक में शेयर कर दूंगी. आप जरूर जाइएगा और वहां पे जरूर ये एक्सपीरियंस लीजिएगा, आपको रियली में मजा आ जाएगा. एंड यू विल ला 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 लाइक दिस, यू विल एंजॉय, सारा स्ट्रेस निकल जाता है, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, आप इन्हें मैनेज कर पाते हो. सो एंजॉय, हा टेक द स्पा, टेक एंड फील रिफ्रेश. एंड हाँ, आप अगर वहां जाएंगे तो वहां पे पैकेजेस भी हैं, अभी मैं गई थी तो वहां बहुत सारे पैकेजेस थे, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने और चीजें नहीं ली, बट यस इफ यू आर गोइंग देयर और अगर आप वहां पे दो तीन चीजें शायद ले रहे हैं तो आपको कंबाइन करके गुड पैकेज इन योर बजट भी दे सकते हैं. सो यू गो देयर और जो भी आपको लेना है आप उनको बता दीजिए कि क्या क्या सर्विसेज आपको करवानी है, इट्स अबाउट द पार्लर सर्विसेज. सो उसके हिसाब से वो आपको पैकेज भी बना के दे देंगे, जिसकी वजह से आपका बजट भी आपके बजट में भी आ सकता है और आप अवेल कर सकते हैं बेनिफिट्स. सो यू गो देयर एंड एंजॉय इट, एंड इफ यू लाइक इट लेट मी नो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच, बाय बाय.